नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम क्विक बैंगन फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखने में तो बहुत सादा, सिंपल, इजी लगता है, बनता भी बहुत जल्दी है, लेकिन आप ये रोटी, पूड़ी, पराठा हर चीज़ के साथ आप खा सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। बैंगन फ्राई बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया। इतना नहीं मैं इस्तेमाल करूँगी, इसका हाफ यूज़ करूँगी। हाफ़ का एक और रेसिपी बनाऊंगी, आपको देखने को मिलेगा। मैंने वॉश करके बढ़िया वाइप कर लिया है, पानी इसका सोक कर लिया किचन टावल से। ये साइड का जो है इसको हम काट करके निकाल लेंगे और सर्कल में ही थोड़े से थिक पीसेस हम निकाल करके रेडी कर लेंगे। बैंगन में ये प्रॉब्लम होते हैं, ख़राब निकलते हैं ये, और जल्दी हमें देखने को मिलता भी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन समटाइम हो जाता है। इतना हम काट करके निकाल देंगे, जो अच्छा वाला पार्ट है ना वही यूज़ करेंगे हम। कीड़ा नहीं है, एकदम सूखा सूखा जैसे हो गया है, पता नहीं क्यों कीड़े इसमें नहीं पड़े हैं। इस चीज़ पे आप ध्यान देना, जो एकदम नए लोग होंगे ना जिनको नहीं पता होगा, बैंगन हमेशा काट करके ही बनाना चाहिए। ऐसे सर्कल में हम, अब ये तो देखो सर्कल तो बना नहीं, पर इस तरह से हम पीसेस निकाल करके रेडी कर लेंगे। मैंने इतना काट लिया है, चार पीसेस ही निकाला है मैंने, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बना रही हूँ। ले लेंगे दही, यहाँ पे एकदम थिक दही चाहिए। थोड़े से मसाले डालने हैं इसमें। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले लिया है जिंजर का पेस्ट, और अदरक का, लहसुन का, और हरी मिर्च का पेस्ट सेम ही क्वांटिटी में लिया है, 1/4 टीस्पून। एंड देन ऊपर से थोड़ा सा हमें फ्लेवर देने के लिए मसाला डालना है, रेड चिली पाउडर। थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो ऊपर से रेड चिली पाउडर भी डाल देना, 1/4 टीस्पून डाल दिया मैंने। गरम मसाला 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और सेम ही क्वांटिटी में जाएगा यहाँ पे धनिया का पाउडर। एंड स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, मिक्स कर देंगे प्रॉपर। मिक्स करने के बाद अब ये जो स्लाइसेस हमने काट करके रखे हैं इसमें हमें मैरिनेट करना है बढ़िया। अगर मैं आपके पास समय हो ना तो 5 मिनट तक आप छोड़ देंगे मैरिनेट करके, तो और बढ़िया अच्छा टेस्ट इसमें भिन जाएगा। नहीं समय हो तो आप तुरंत बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्लान करके बना रही हूँ तो इसको 5 मिनट में रखूँगी। 5 मिनट हो गया है इसको मैरिनेट करके रख के। अब हमने यहाँ पे एक पैन रख दिया है बड़ा सा, हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम, अराउंड 1 टेबलस्पून। पूरे तवे पे हम फैला देंगे इसको। एंड इसके बाद ये जो बैंगन है उसको इस तरह से हम प्लेस करते जाएंगे, ऊपर से जो दही बचा हुआ है ये डाल देंगे। पूरा उठा करके हमने डाल दिया, बहुत ज़्यादा दही में मैरिनेट ना करना, इतना ही करना ताकि ये वेस्ट ना हो, साथ में ही सब पक जाए अच्छे से। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पे कवर करके हम पकाएंगे। थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे, फिर उसके बाद हम पलटेंगे। ये एक साइड हो गया है, धीरे से हम पलट लेंगे फ्लेम को। अब मैंने मीडियम पे कर दिया है, दूसरे साइड भी हमें एकदम अच्छे से पका लेना है और कवर करके ही पकाएंगे हम। यहाँ पे दोनों साइड उलट पलट कर हमने पका लिया है, पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। इसमें दही वगैरह ग्रेवी का जो फ्लेवर गया है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना अमेजिंग लगता है इसका टेस्ट। अब इसको ना पूड़ी, पराठा, रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर इसमें मसाला है, कम मसाला है लेकिन चटपटा बहुत है, क्योंकि
दही गया है इसमें। अगर मैं दही नहीं पसंद हो तो आप सूखे मसाले में ही थोड़ा सा पेस्ट बना करके पानी डाल करके उसमें इसको मैरिनेट करके बना सकते हो। अगर मैं दही ना हो, इस तरह का एकदम क्विक आपको सब्जी खाना हो तो या तो दाल चावल बना लो, साइड में ये भुजिया बना लो। कितना ईजी हो गया ना, अब ये खाने के लिए रेडी है। इस तरह से आप लोग भी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जो नए होंगे इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।